तो गाइज फाइनली जस्ट आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हो रही है। सभी भाई को राम राम दिल से। दोस्तों मैं हूं अपने ताऊजी के घर पर, क्योंकि भाई सारा सामान ऊपर चढ़ाना है, मतलब कि क्या क्या चढ़ाना है मैं दिखाता हूं। देखो नीचे रखा भाई फ्रिज, अलमारी, ये सब सामान जो भाई सगाई में आया था, तो ये सब ऊपर चढ़ाना है। और भाई ये हमने आधा तो ऊपर चढ़ा भी दिया, और बेड हमें ही पता हमने कैसे कैसे चढ़ाया, मेरे जी से पूछो दोस्तों। और मेरी हालत देख सकते हो, मतलब बहुत ही बेकार हो गई है। सो गाइस फाइनली भाई हम ही सब ने भाई मिलके भाई सारा सामान ऊपर एडजस्ट कर दिया रूम में, अलमारी, सोफा, हर चीज। फिर मैं और मेरा भाई बेड को फिट करने लगे, इसके बोल्ट वोल्ट कसने लगे हम दोनों। भाई बेड नहीं भाई, एक डेढ़ घंटा ले लेता है एडजस्ट होने में, मतलब कि कभी यहाँ से निकल जाए बाहर, कभी वहां से। भाई बहन भी लगी पड़ी है, सब लोग लगे पड़े हैं, तुम देख लो। इसी के साथ भाई मैंने ली एक सेल्फी। रात में आगे घर पर चाचा वापस और कहने लगे कुछ काम नहीं करता, इन्हें नहीं पता भाई मैं और मेरे भाई ने कैसा कैसा करके हमने सारा सामान चढ़ाया। अब भाई बारी है अनबॉक्सिंग की, अनबॉक्सिंग में वे करेंगे जो ऊपर रखा है ना, दिखाई दे रहा है आपको एलईडी, ये बिना टाइम गवाए भाई ने फटाफट से उतारी भाई एलईडी और इसकी भाई अनबॉक्सिंग करनी शुरू। अनबॉक्स करके भाई ये क्या निकला, ओ भाई क्या निकलता भाई, टीवी निकला है, और क्या निकलता है इसमें, जब बात थी टीवी की थी। भाई और चाचा मिलके बताने लगे कहाँ लगे ये कहानी, मैं कह रहा हूँ इसको लगाओ सामने, सामने का देखो अभी उठा के लगाएंगे सामने दीवार पे, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सही रहेगा बेड के सामने, और पता नहीं भाई ये कहाँ लगाएगा, यहाँ पे अच्छी लगेगी। भाई रात में हमारे पास ऐसी खबर आ गई थी कि हमें सुबह सुबह भाई जाना पड़ रहा है, भाई मेरी मम्मी के चाचा की लड़की ना एक्सपायर हो गई थी, तो जस्ट अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, ताऊ जी, मैं, मेरी तो मम्मी और मेरी ताई जी बड़ी मम्मी, तो ठीक है हम भाई चारों जा रहे हैं। तो भाई ये दुख भरी एक बात है जो हमें पता लगी, और हम सब जाना पड़ रहा है हमें। तो भाई सब आए हुए थे, मामा भी आए हुए थे, मैं भी था, तो दोस्तों सब लोग थे भाई, किसी की खुशी में ना जाओ भाई, दुखी में जरूर जाना चाहिए। और दोस्तों भाई जमुना के किनारे ही भाई यहाँ पर दाग लगाया, और सब लोग भाई आए हुए थे, भीड़ रखी थी। ऐसे भाई सब लोग भाई अपने अपने घर चलती है, भाई हम भी अपने घर की तरफ हो गए, क्योंकि भाई ऐसी जगह भाई रुकते तो है नहीं है, दाग लगवा के भाई हम सब निकल चुके। घर पर आते के साथ ही भाई सबसे पहले तो भाई नहाना है, फिर उसके बाद ही अंदर जाना है। घर पर भाई अम्मा थी और भाई सब, हम तो बाहर से आए थे, भाई मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, उल्टी लग रही थी, क्योंकि मम्मी को भाई गाड़ी में लगती है। फिर भाई मैच भी शुरू हो गया था, क्योंकि भाई आज है वर्ल्ड कप फाइनली गाइस। मैं नहा धो के भाई बैठ गया था टीवी के आगे, और आज भाई कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप देखना है, फाइनल जिताना है इंडिया को। दोस्तों मैं सच बताऊं भाई बहुत जल्दी जल्दी विकेट हो गई थी अपने पास, और भाई मतलब सही नहीं चल रही थी अपनी स्टार्टिंग में टीम, मतलब क्या बताऊं यार। मेरे पास भाई मिलना है प्यारे प्यारे दो सब्सक्राइबर जो कि बहुत ही क्यूट से थे, और ये पहले भी आए थे भाई, पहले पुराने वाले व्लॉग्स में आए थे, और ये भाई मिलने आए, और इनके साथ मैंने लिए एक सेल्फी, और ये बहुत ज्यादा खुश होगी, और मुझे भी भाई बहुत ज्यादा खुशी होगी। फिर भाई मैं व्लॉग तो ज्यादा कर ही नहीं पा रहा था, बट यार मैच बड़ा बेकार सा चल रहा था, पर मैं यहाँ से भी सोच रहा था कि भाई यहाँ से भी बन जाए 200, 300, 400 रन तो बने कम से कम, 300 बन जाए। भाई गुस्से में आके मैंने टीवी बंद कर दिया, और भाई यहाँ पे देखो मेरे दोस्त आ गए जो कि उदास बैठे हुए, क्योंकि बहुत बेकार मैच चल रहा था सीरियसली गाइस। दोस्त कहने लगा यार चल ठीक है खोल ले यार टीवी, अब देखते क्या होएगा, टारगेट दिया है 241 रन का। मैंने एक रील बनाई और उसमें मैंने बोल दिया कि अगर हार गई इंडिया तो मैं गंजा हो जाऊंगा, ये इंस्टाग्राम पे मिले। फिर मैदान में उतर चुकी अपनी इंडिया पूरी की पूरी टीम, फिर मैंने एक रील और बनाई, ये भी इंस्टाग्राम पर मिलेगी दोस्तों। भाई पहली कैच भाई ऐसी छोड़ दी विराट कोहली ने कि भाई क्या बताऊं, गुस्सा सा आ गया था, कैच भी थी और 4 रन रुक सकते थे, बट कोई बात नहीं भाई। फिर भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा बोला, पर कोई दिक्कत नहीं, बुमराह अपनी कोशिश कर रहा है कि विकेट आ जाए इस ओवर में। दोस्तों पहली गेंद पे मौका था कैच करने का विराट कोहली के पास, उन्हें ड्राइव भी नहीं करी, लोग ने कोशिश भी नहीं करी, 4 रन और पैर और हटा लिया। इतने में भाई मैं बुराई कर रहा था विराट कोहली की, बट भाई फिर मुंह से निकलने लगी तारीफ, क्योंकि यहाँ पर ले ली इसने कैच, और भाई मैं तो फिर विराट कोहली को भाई बोलने लगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुरु, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है प्लेयर। दोस्तों इस विकेट के आने के बाद ही बहुत ज्यादा खुशी हो गई थी, बट एक बात बताऊं दोस्तों, हम ही यहीं से बुरा बोलते हैं, हम ही यहाँ से अच्छा बोलते हैं, भाई उनसे पूछो जो वहाँ मैदान में खेल रहे हैं कैसे कैसे खेल रहे हैं भाई वो टीम। स्टार्टिंग में भाई एक विकेट आने के बाद बहुत ज्यादा खुशी हो गई थी, फिर भाई मैं तुम्हें बताऊँ दूसरी विकेट भी बहुत जल्दी आई थी। मूंगफली खाते खाते दोस्तों हम भाई मैच देख रहे थे, और मैं तो यही सोचा था कि भाई हर ओवर में विकेट आ जाए, हर ओवर में एक ना एक विकेट आ जाए, पर दोस्तों कुछ ही देर बाद भाई एक विकेट और आ गई थी, पर भाई वो विकेट में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं चला गया था बाथरूम में, फिर भी मैंने तुम्हें दिखाने की कोशिश करी, ये देखो ये विकेट आई थी। नहीं कैसे, मैंने तो यार कैमरा ऑन ही ना करा था, पीछे ले ली किसकी, ले ली ले ली ले ली ले ली पीछे से ले ली।
थोड़ी सी मस्ती करने के बाद थोड़ा सा मैं शांत हो गया, फिर मैच देखने लगा। ले 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 DRS ले ले, लगी ना शायद। इतने में दोस्तों एक विकेट और हो गई थी भाई। और मैं जब जब कैमरा ऑन करता हूँ जब विकेट हो जाती है, मैं भी बाहर गया था सुसु करने, गैर विकेट होगी। कैसे ली कैसे ली, पीछे से ली, पीछे से ली, डंग में पीछे से कैच ली। देखते दोस्तों, पीछे से काट लिया था सुपर। तो दोस्तों मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, 3 विकेट ही ली गई और भाई इन पे एक भी विकेट ना ली गई, इसलिए भाई हम मैच देखते 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 बहुत ज्यादा परेशान हो गए और पूरे मैच में बस ये 3 विकेट ही रही और जिता गया भाई ये मैच को। एक विकेट दोस्तों एंड में ले ली थी भाई, वो पूरी 4 कर ली थी, बट उसने भाई 100 रन मार दिए थे जिसकी विकेट ली थी। अब भाई दिख रहा था साफ साफ कि यार अब विकेट आएगी तो मजा आ जाएगा, वरना ये मैच निकल जाएगा, क्योंकि ये सामने जो हेड है ना, हेड यो बहुत बेहतरीन खेल रहा था भाई। हार गई अपनी इंडिया और ये भाई देखते देखते इतना उदास हो गया मैं, मन बस मैं क्या बताऊँ दोस्तों। फिर मैंने अपने सभी फॉलोवर्स को बता दी कि अब इंडिया की टीम नहीं जीती। इतना चिल्ला रहा था जीत जाएगी आउट होगी आउट होगी। यार ऑस्ट्रेलिया ने ना इतना बुरा हराया बहुत बुरा। हेलो हार गई इंडिया। फिर मम्मी आ गई ताऊ जी के घर से। क्यों रो ले अब? क्यों रो लू? इंडिया हार गई। और दोस्तों भाई बहुत ही ज्यादा रोया मैं भाई बाथरूम में जा जाके कि यार काश ये जीत जाती, 5 साल बाद आया था वर्ल्ड कप। और इसी के साथ दोस्तों टीवी भी सब कुछ बंद मैंने कर ही दिया था और अभी बस मैं सो रहा हूँ और बस मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलना भाई, कुछ नहीं बोलना। फिर दोस्तों भाई अगली सुबह भाई बहन आ चुकी है, जस्ट बहन आई है, अब ये शादी के नाम पर आ चुकी है। अच्छा उनके घर आती तो वही उतरती सीधी गाड़ी में से, तो यही की उतरी मेरे घर। अच्छा मम्मी आप बीच पे क्यों बोल रहे हो, बहन भाई की बात हो रही है यहाँ तो तू एक बात बता मुझे, तो शादी के बाद जाइए? शादी के बाद जाएगी दोस्तों अब तो। ये तो भाई कल मैच हार गई तो पता नहीं। हाँ। सपने में भी इंडिया हार गई, मतलब जीतती रहती, फाइनली हार गई। सपने में भी आ गई तेरे? दोस्तों इसे बहुत ज्यादा दुख ही हो रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, पर मैं कह रहा ज्यादा परेशान हो तो खुश रह तू, चलता रहे। तो वर्ल्ड कप 5 साल बाद हुए थे, मैं बहुत दुखा, मैं तो बहुत रोया, मैं रोटी नहीं खाई। पूछ सब देख के बहन, यहाँ पूरे मार्केट में बड़ा टीवी लगा रखा था लोगों ने। बिगड़ी की स्थिति यहाँ घोल्लू आ रहा है। हमारे यार पापा लोनी जा रहे थे, देख लिया राहुल की ताऊ भी देख रहे थे, सब देख रहे थे। आउट हो गए थे, आज हल्दी है ना, आज हल्दी है दोस्तों फाइनली। आज येलो येलो मैं, मेरी बहन और चिंकी और ताऊ जी के बालक सारे और चाचा के बालक येलो दिखाई देंगे तब मैं आज फाइनली। लाइक करो फॉलो करो। तो दोस्तों जस्ट अभी अभी मैंने अपनी बहन को बताया, क्योंकि हमने इसको नहीं बता रखा था कि हमारी ऐसे ऐसे मौसी एक्सपायर हो गई और मैं मम्मी वहाँ पर गए थे। तो मम्मी की चाचा जी की लड़की थी, सबसे छोटी लड़की थी और बहुत अच्छी थी, मतलब दिक्कत उनके पेट में ही हो गई थी, ठीक है। पेट से मैं बता रहा हूँ भाई, इतनी सी बीमारी हो ना गैल इलाज करवाओ, लापरवाही बिल्कुल मत करो। इसको जस्ट अभी अभी बताया, इसको हमने जानबूझ के ना बता रखा था। फिर जो टेंशन लेती, सीधी खड़ी हो ना भाई। एक लड़की थी उनके पास, 2 लड़के थे, मतलब शादी किसी की नहीं हो रही थी। तो
सॉरी कल वहां जा रहे थे तने फोन उठा कर गए थे कोई मेहमान आ रहा हमारे घर मम्मी ने क्यों मना करी तू टेंशन नहीं ले तू टेंशन लेती हूं बच्चे पे थोड़ा ऐसा ये थी दोस्तों देखिए ये थी मेरी मौसी जी।